अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को हिस्ट्री के बारे में बताया था कि हिस्ट्री टेकिंग कैसे करते हैं। आज मैं आपको सिस्टमिक रिव्यू के बारे में बताऊंगी। सिस्टमिक रिव्यू हिस्ट्री के साथ ही हम लोग लेते हैं। देखिए, रिव्यू ऑफ सिस्टम्स यानी कि पूरी बॉडी में जितने भी सिस्टम हैं, जैसे हमारा GIT सिस्टम है, ठीक है, या फिर कोई और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है या रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इन सब में से हम कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं पेशेंट से, जिससे हमें पता चल जाए कि उसे कोई और, यानी कि हमारे दो पर्पज़ होते हैं कि जो सिम्टम्स हमें हिस्ट्री में नहीं लेना तो वो हमें पता चल जाए सिस्टमिक रिव्यू लेने से, या फिर कोई ऐसी पैथोलॉजी है जो कि MSK की उसमें स्कोप में नहीं आती, मस्क्यूलोस्केलेटल नहीं है जबकि विसरल है, कोई विसरल प्रॉब्लम है इनके अंदर से किसी ऑर्गन को मसला है, तो वो हमें पता चल जाए। उसके लिए हम हर सिस्टम को थोड़े थोड़े क्वेश्चन पूछते हैं हर सिस्टम से। तो इन डॉक्यूमेंट्री जैसे कि स्किन है, तो स्किन से हम पूछेंगे कि स्किन पर तुम्हें कोई रैशेज तो नहीं है, ठीक है, कहीं पर कोई दाग धब्बे स्कार्स वगैरह तो नहीं है। उसके अलावा हेयर्स और नेल्स का पूछ लेते हैं कि बाल गिरते तो नहीं ज़्यादा या नेल्स टूटते तो नहीं है, इस तरह कोई चेंजेस वगैरह ये पूछ लेते हैं। देन एंडोक्राइन आता है, एंडोक्राइन में हम लोग हॉट कॉल्ड इंटॉलरेंस पूछ लेते हैं कि सर्दी गर्मी ज़्यादा तो नहीं लगती, ऐसा तो नहीं होता कि सर्दी ज़्यादा लगती हो या गर्मी ज़्यादा लगती हो। उसके अलावा डायबिटीज़ का पूछ लेते हैं कि कोई शुगर तो नहीं है तुम्हें, फिर लो ब्लड शुगर का पूछ लेते हैं कि ब्लड शुगर तुम्हारी लो तो नहीं रहती, या फिर थायरॉयड के प्रॉब्लम्स पूछ लेते हैं कि थायरॉयड वगैरह का कोई मसला तो नहीं है। बोन जॉइंट मसल्स इनमें हम लोग आर्थराइटिस का पूछ लेते हैं कि जोड़ों का कोई मसला तो नहीं है, जोड़ों में सूजन वगैरह तो नहीं है या दर्द तो नहीं होता किसी और में। तो मसल्स क्रैम्प्स तो नहीं पड़ते, मसल क्रैम्प्स का पूछ लेते हैं कि जो है तुम्हारे पट्टे हैं उसमें अकड़ाव वगैरह तो नहीं होता, ये पूछ लेते हैं। इसके अलावा जॉइंट्स और मस्क्यूलर पेन का पूछ लेते हैं कि किसी और मसल में पेन तो नहीं है, कोई कभी कोई फ्रैक्चर हुआ था तुम्हारा, कोई एक्सीडेंट वगैरह तो नहीं हुआ। उसके अलावा हिप एंकल प्रॉब्लम्स के, तुम्हारे हिप के या एंकल के जॉइंट में हम पूछ लेते हैं कि कोई मसला तो नहीं है, ठीक है। फिर प्रॉब्लम रिक्वायरिंग ऑर्थोपेडिक शूज़, कोई ऐसा मसला तो नहीं है जिसकी वजह से तुम्हें डॉक्टर ने जूते बनवाने को कहे हों कि कोई और जूते पहनो, ठीक है। फिर GIT में हम एब्डोमिनल पेन के, पेट में दर्द तो नहीं होता, उल्टियाँ तो नहीं आती, उल्टियाँ आती हैं तो कब आती है, कितनी दफ़ा आती है, ये सारा। उसके अलावा बाउल और ब्लैडर चेंज, ठीक है, पेशाब में यानी कि पेशाब का पूछ लेते हैं हम बाउल का के कब्ज तो नहीं है या मोशन तो नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन। अल्सर्स का पूछ लेते हैं, अल्सर तो नहीं है, कहीं मैदा ख़राब तो नहीं रहता। उसके अलावा लॉस ऑफ एपिटेट यानी कि भूख की कमी तो नहीं होती तुम्हें, कि भूख कम लगती हो, इस तरह के, तो ये सारे पूछ लेते हैं। ये पूछने का असल में जैसे मैंने आपको बताया था ना कि कहर साइन वाला बताया था कि शोल्डर में पेन होता है, इसमें लेफ़्ट शोल्डर में पेन होता है, ठीक है, इसमें जब GIT का कहर साइन होता है, ठीक है, उसमें लेफ़्ट शोल्डर में पेन होता है, उसमें ये होता है कि जो समटाइम नर्व्स जो होती है ना उनकी इनर्वेशन सेम होती है विसरल ऑर्गन की और सोमेटिक की, ठीक है। तो यहाँ पे डायफ्राम जो मसल होता है, ठीक है, डायफ्राम मसल की नर्व सप्लाई और इसकी सेम होती है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे स्प्लीन है, स्प्लीन में किसी बंदे को एब्सेस हो गई है, तो उसकी वजह से जब यहाँ प्रेशर पड़ रहा है इसमें डायफ्राम में और इसको इरीटेट कर रही है, नर्व इरीटेट हो रही है, तो उसका पेन भी यहाँ पे जाएगा। उसके अलावा गॉल ब्लेडर का मैंने बताया था कि गॉल ब्लेडर में कोई भी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, कोलिस्टाइटिस वगैरह, तो उसका भी पेन यहाँ पे लेफ्ट शोल्डर में फील होता है। इसी तरह यहाँ पे कोलोन होती है, कोलोन में कोई कैंसर वगैरह हो गया तो उसका भी पेन यहाँ पे लेफ्ट शोल्डर में फील होगा। तो इस वजह से हम पूछ लेते हैं GIT अगर वो कह रहे हैं मुझे एब्डोमिनल पेन है, मतलब पेट में दर्द भी होता है, उल्टियाँ भी आती हैं, तो हम जा सकते हैं इनमें से किसी रीज़न की तरफ। तो इसलिए हमें ये अवेलुएट करना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम नहीं देखते हम उसको मस्क्यूलोस्केलेटल ट्रीट करते रहे हैं, बंदा आया है शोल्डर में पेन के साथ, हमने उसे रोटेटर काफ़ी स्ट्रेंथनिंग करवाते रहे हैं, 2 महीने 3 महीने हमने ट्रीटमेंट दिया बट उसका पेन कम नहीं हुआ, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा फिजियोथेरेपी से, तो फिर ये एक नेगेटिव इफेक्ट आता है। तो इसलिए हमें सिस्टमिक रिव्यू लेना ज़रूरी होता है। फिर गायनी या जेंट्रो यूरिनरी में हम देखते हैं कि सेक्सुअल डिसफंक्शन का पूछ लेते हैं, एबनॉर्मल और पेनफुल ब्लीडिंग यानी कि उसका पूछ लेते हैं कि मेंसेस वगैरह ठीक आते हैं या सही नहीं आते या पेन तो नहीं होता। फिर पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज जैसे कि पेल्विक फ्लोर के मसल्स होते हैं, तो वहाँ पे पेल्विक फ्लोर में कोई यानी कि वहाँ पे कोई डिसऑर्डर तो नहीं है, कोई मसला तो नहीं है। उसके अलावा प्रेग्नेंट तो नहीं है, अगर फीमेल आई है प्रेग्नेंट तो नहीं है, प्रेग्नेंट है तो उसने जो मेमोग्राफ अपना करवाया लास्ट वो दिखाया, उसकी डेट बताया कि कब करवाया था, ठीक है। तो या फिर पेशाब में तुम्हें ब्लड तो नहीं आता, फिर इनकॉन्टिनेंस वगैरह का पूछ लेते हैं ये सारे यूरिनरी सिस्टम से। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से हम लोग क्वेश्चन करते हैं कि ब्लड प्रेशर तुम्हारा हाई तो नहीं रहता, हार्ट प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई दिल का कोई मसला तो नहीं है, उसके अलावा दिल ज़्यादा तो नहीं धड़कता यानी हार्ट पाल्पिटेशंस तो नहीं होती, मर्मर्स तो नहीं होते, या फिर चेस्ट पेन यानी कि छाती में तुम्हें दर्द तो नहीं होता। अब यहाँ पे एक देखते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक फीमेल आई है, ठीक है, और वो उसकी एज है 40 की एज पे फीमेल आई है और उसने आपको बताया कि उसके शोल्डर में पेन है, ठीक है, लेफ्ट शोल्डर का पेन है,
ठीक है, तो अब आपने उसके साथ अगर आपने सिस्टेमिक रिव्यू हिस्ट्री ले ली, हिस्ट्री के बाद सिस्टेमिक रिव्यू लिया, तो उसने कहा हाँ मेरा ब्लड प्रेशर भी हाई रहता है, मुझे यानी कि हाइपरटेंसिव है वो पेशेंट, ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर उसका रहता है, दिल भी कभी कभी धड़कना शुरू हो जाता है, और आपने छाती का पेन पूछा तो उसने कहा हाँ मुझे यहाँ पर भी दर्द होता है। तो अब इस कंडीशन को आप बताओ, अगर उसे कोई अंदर से यानी कि शोल्डर का MSK का प्रॉब्लम नहीं है, कोई विसरल है, तो आप ये बताओ कि उसको क्या प्रॉब्लम होगी। ठीक है, ये बहुत ईजी सा है, एक सिनेरियो मैंने आपको बताया, तो आप देखो, अगर आपको पता है तो आप कमेंट करें, ज़रूर बताएं मुझे कमेंट में। देन रेस्पिरेटरी सिस्टम आता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ पूछ लेते हैं कि तुम्हें सांस तो नहीं चढ़ता तुम्हारा, कफिंग की खांसी तो नहीं होती ज़्यादा, डिफ़िकल्टी स्लीपिंग फ्लैट, जो लोग जिन लोगों को रेस्पिरेटरी का इशू होता है ना, एस्मा वगैरह का या TB का या इस तरह का कोई इशू हो, उनको जब सीधे सोते हैं ना, सोते हुए उनका सांस फूलने लग जाता है, मतलब सोया नहीं जाता सीधा, तो उनसे पूछ लेते हैं सीधे जब सोते हो लेटते हो तब कोई मसला तो नहीं होता। फिर लंग प्रॉब्लम्स, इनके कोई और इनका तुम्हें लंग्स का कोई और मसला तो नहीं है, फेफड़ों वगैरह का एस्मा या कोई एलर्जी वगैरह तो नहीं है, किसी चीज़ से एलर्जी हो, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का पूछ लेते हैं।